इंट्रोडक्शन। जब मेरा नाम पूछते हैं तो साथ में तू कुछ तो करती होगी ना काम, ये भी जताते हैं। अच्छाई का नकाब ओढ़े हुए मैं सुनती तो हूँ उनको, पर मेरी आंखें कह जाती हैं कि ये गुफ्तगू बेमतलब सी लगती है मुझको। पर क्या करें जनाब, हमारे ज़माने में इंट्रोडक्शन इसे ही कहते हैं। 20-25 सालों से तो मैं भी गवाह हूँ, 20-25 सालों से तो मैं भी गवाह हूँ कि हर कागज़ के टुकड़े पर बिना फादर्स नेम और इवन प्रॉपर्टीज नेम हम सब का कोई वजूद नहीं। हम हैं कचरे के ढेर में फेंका हुआ एक गेंद। फादर्स ऑक्यूपेशन, उस ब्लैंक स्पेस को जब हम फिल करते हैं उसी से डिफाइन होती है हर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की फेम। पर क्या करें जनाब, हमारे ज़माने में इंट्रोडक्शन इसे ही कहते हैं। सिस्टम की हम पर मेहरबानी तो देखो, आजकल मदर्स नेम भी जोड़ दिया है। कहते हैं इक्वालिटी को बेटा हमेशा बरकरार रखो। माफ़ कीजिएगा मगर हमारी हर पीढ़ी है जिम्मेदार अपने आप को वर्ल्ड फेमस बनाने में। यकीन नहीं आता ना, यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए, कौन माँ बाप नहीं चाहते जब नेता या अभिनेता हम बने या डॉक्टरें या वकालत हम करें तो नाम कहीं उनका भी लिया जाए बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में। क्या करें जनाब, हमारे ज़माने में इंट्रोडक्शन इसे ही कहते हैं। काश मेरा जन्म बादलों में कहीं हुआ होता, जहाँ हम और तुम नामी जिस्म नहीं होते, दो बेपरवाह परिंदे होते, एक दूसरे के नाम के नहीं एक दूसरे की शख्सियत के दीवाने होते। कम से कम किसी को इतना तो बता सकते कि अपनी हकीकत का हम करते हैं पूरा मान। सिर्फ हमारी हाजिरी ही काफ़ी होती, नहीं होता हमें अपनी लीनिएज का कोई गुमान। पर क्या करें जनाब, हमारे ज़माने में इंट्रोडक्शन इसे नहीं कहते। सोचो सोचो, उम्र भर का हर एक लम्हा अगर हम बेनामी में बिताएं तो क्या हो, जब नाम ही ना हो तो जातवाद की बात ही कहाँ हो। शायद तब हम समझ जाएं कि शेक्सपियर ने सच ही तो कहा है व्हाट्स इन अ नेम, एंड मे बी देयर इट विल स्ट्राइक अस कि किसी के नाम के बिना पर तो हम ना करें लेन देन। जाते जाते आपको इतना बता दूं कि इंट्रोडक्शन को परिचय भी कहते हैं, कभी कभी आपकी तारीफ ऐसा भी कहते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपनी असलियत को अपने नाम में न खो दूं, इंट्रोडक्शन इसे कहते हैं।